आज 12th मैथ्स मैट्रिक्स का एक हिस्सा पूरा होने के बाद डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, प्रॉपर्टीज यूज करके कुछ प्रूफ करना और ट्रायंगल का एरिया निकालना आपका अब तक हुआ है। दोबारा मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाता है जिसमें अब डिटरमिनेंट की भी आवश्यकता पड़नी है, ठीक है। अब आपकी एक समस्या और बची रहेगी, उसकी अब जरूरत पड़ेगी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। किसी किसी क्वेश्चन केवल माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने के लिए ही है बस, तो उसे जान लें पहले। कुछ नोट नहीं करना, एक क्वेश्चन से ही ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन 10th क्वेश्चन गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1-1, 2, 0, 2, -3 and 3-2, 4 1, 0, 3, -1, 2, -2, 2, -3, 4 एक मैट्रिक्स। इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स हम किसे कहते हैं, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। माइनर्स या माइनस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, माइनस एम से स्टैंड हो गए M11, M12, M13, फिर सेकंड रो में M21, M22, M23। ये क्या होते हैं कैसे जाएगा M31, M32, M33। 1-1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट वो 1। इस 1 के माइनस किसे कह रहे हैं, डिटरमिनेंट। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले पार्ट को छोड़ दो और बाकी डिटरमिनेंट का 2-3, -2, 4 1-2 फर्स्ट रो सेकंड कॉल, फर्स्ट रो सेकंड कॉल, तो कौन बचे 0-3, 3, 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉल 0-3, -3, 4 1-3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉल 0-2, 3-1। ऐसे ऐसे सबको निकाल दो, सॉल्व कर लो, बस ये आपके माइनस है, बिल्कुल सिंपल, ध्यान रखने वाली बात है बस, और कुछ नहीं। 2-1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉल, सेकंड रो फर्स्ट कॉल -1, 2, 1, 2, -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1-2, 3-4 2-3, 1-1, 3-2 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1-3, -1, -2 ठीक। लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1, 2, 2, -3, -1, 1, 2, and 2, -3 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1, 0, 2, -3 और लास्ट 3-3
वन माइनस वन जीरो टू, इन्हें बोलते हैं माइनस, इन्हें सॉल्व कर लो फटाफट। टू फोर जा एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू, जीरो प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन, जीरो माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, माइनस फोर माइनस माइनस फोर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, फोर माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस टू माइनस माइनस सिक्स तो प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस वन, जी सॉरी माइनस थ्री माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड टू वन जर टू माइनस जीरो इज इक्वल टू टू। प्यारे बच्चों इन्हें बोलते हैं माइनर्स। अगर वही कहता है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का माइनर्स निकालो तो ये निकाल देना हर एलिमेंट का माइनर। अगर वो कहता है सिर्फ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के माइनस निकालो तो फर्स्ट कॉलम ये है, यानी एम वन वन एम टू वन एम थ्री वन ही निकालना है, बस जो पूछेगा उतना ही निकालना है। प्यारे बच्चों कोफैक्टर्स यही है, सब यही है। देखिए फर्क कहाँ पड़ेगा, आराम से समझना। कोफैक्टर्स में जहां एक टू आएगा उसके बदले माइनस आ जाएगा। याद करें जब एक्सपेंड करते थे आप किसी डिटरमिनेंट को, पहला टर्म प्लस रहते थे, बीच वाला माइनस रहते थे, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इन चिन्हों का अगर ध्यान रखोगे तो कोफैक्टर्स कहलाएंगे। काम यही है सारा, जैसे वन टू या टू वन, एक टू जहां जाए उसके बदले माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखें बस। तो देखिए कोफैक्टर्स के लिए सी सी वन वन यही है, कोफैक्टर सी वन टू एक टू आ गया इसके बदले माइनस आ जाएगा, ठीक है माइनस और आ जाएगा माइनस, इतना फर्क पड़ेगा। एक टू के कारण एक माइनस लगा दोगे तो कोफैक्टर्स बन जाएंगे सी वन थ्री नो टू सो सेम, टू वन एक टू आ गया माइनस लग जाएगा माइनस आएगा अन जीरो, टू टू एक माइनस और दूसरा माइनस प्लस बन जाएगा, फिर इस एक टू के कारण माइनस आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, थ्री वन रिमेन सेम कोफैक्टर्स हैं लिखे, कोफैक्टर को सी शो करोगे अलग अलग निकालना, तो पहले माइनस फिर कोफैक्टर जैसे पूछ रहा है रिमेन सेम, एक टू आ गया तो माइनस आ जाएगा आगे और एक प्लस बन जाएगा और ये टू सो रिमेन्स ये कोफैक्टर्स है। अब आप अच्छी तरह माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना जान चुके हैं, आपके कुछ क्वेश्चन केवल माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने वाले ही हैं। ओके और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एड जॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना, एड जॉइंट एंड इनवर्स प्रोसेस है, पहले क्या करना है फिर क्या करना है, बस बिल्कुल सिंपल है। एक बार समझ जाओगे और एक क्वेश्चन पूरी तल्लीनता से करोगे उसके बाद तो आपकी स्पीड अपना भी बढ़ेगी फिर करने की, फिर तो मात्र क्वेश्चन करने बिना दिमाग दौड़ाए। देखिए इनवर्स में सब कुछ आ जाता है, उससे पहले एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा।
मैं सीधा इनवर्स वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एडजॉइंट से बीच में ही आ जाएगा। इसका इनवर्स निकालना है तो पहला काम है इसके कोफैक्टर्स निकालो। गिवन मैट्रिक्स दिस, इसके बाद का स्टेप कोफैक्टर्स निकाल दो। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, दिस एक माइनस टू की वजह से माइनस, एक टू के कारण एक माइनस आ गया, ध्यान रखना। तो अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो पहले आप उसके हर एलिमेंट को कोफैक्टर्स निकाल दो, निकल गए, इनका जुगा तू मैट्रिक्स बना दो। मैट्रिक्स फॉर्म बाय दीज कोफैक्टर्स, बी कहते उसको, केवल को फैक्टर्स निकाले उसका मैट्रिक्स बना रहे हैं, ये कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। 2 माइनस 9 माइनस 6, 0 माइनस 2 माइनस 1 एंड -1 3 2 -1 3 2 को फैक्टर्स निकाला उसका मैट्रिक्स बना दिया, इसका ट्रांसपोज कर दो, बस हो गया एडजॉइंट, हो गया एडजॉइंट, बस इतना ही है। एडजॉइंट ए क्या होता है, जिसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज भूले तो नहीं हो, रोज और कॉलम्स में इंटरचेंज करके ट्रांसपोज आता है, ट्रांसपोज कर दो। 2 माइनस 9 माइनस 6, 2 माइनस 9 माइनस 6, 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 3 2। एडजॉइंट में इतना करना है, कुछ भी तो नहीं है, और एडजॉइंट के क्वेश्चन जरूर है। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स को लिख दो, उससे कोफैक्टर्स निकाल दो, उससे बनने वाला मैट्रिक्स निकाल दो, उसका ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट तक ही निकालना तो बस कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे। इनवर्स निकालना तो दो कदम और आगे बढ़ जाओ बस। देखिए क्या है, मैं ये बताता हूं, ए इनवर्स क्या होता है, इसके लिए पहले आपको एडजॉइंट ए ही निकालना पड़ता है और उसमें उसके डिटरमिनेंट वैल्यू का डिवाइड दे दो, बस ये हो गया जी इनवर्स। बस प्रोसेस ध्यान रखना, पहले क्या करना फिर क्या करना, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसी कारण से डिटरमिनेंट चैप्टर मैट्रिक्स के बीच में दिया गया है। एडजॉइंट निकालने की कहानी खत्म होगी बस, नाउ इनवर्स निकालने हमें निकालनी पड़ेगी डिटरमिनेंट पे, डिटरमिनेंट वैल्यू तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ना दो, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 ओपन कर लो, फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट अच्छा रहेगा, 0 है, 1 into 8 -6 फिर माइनस टर्म 0 हो जाएगा और प्लस 3 into 3 -4 2 -3 -1 ठीक है। तो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट आया -1 और एडजॉइंट क्या निकाल दिया था, लिख दो उसको एडजॉइंट 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। मैंने बताया था कुछ भी गुणा या भाग करनी हो अगर डिटरमिनेंट में तो किसी एक रो या कॉलम में, पर मैट्रिक्स में करोगे तो हर एलिमेंट में,
तो माइनस वन डिवाइड दो, साइन चेंज कर दो बस, माइनस टू जीरो वन नाइन टू माइनस थ्री सिक्स वन माइनस टू इज द आंसर। तो इस तरह से आज आपको इस वीडियो में माइनस निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना और इन्वर्स निकालना बता दिया गया है। कोफैक्टर्स निकालते हो सावधानी बरतनी, एक टू के कारण एक माइनस है। पहला क्वेश्चन बहुत होले होले करोगे तब जाके स्पीड अपना बढ़ेगी, क्वेश्चन बहुत सारे करोगे। आर्य शर्मा हो है तो बहुत अच्छी बात है, उसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करके स्पीड बढ़ती है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और फिर स्पीड बढ़ जाती है। नहीं तो दो तीन मिनट के क्वेश्चन आप दस मिनट लगाते हो फिर एग्जाम, और क्या तो पेपर लेंथी था, पेपर लेंथी कभी नहीं होता। डू प्रैक्टिस। ओके बाय।